पंजाब की पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में 60 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को वैक्स संक्रमित होने से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण के इतने मामले सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के सामने आने के बाद प्रशासन ने संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए स्टूडेंट को 10 मई तक हॉस्टल को खाली करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जिन स्टूडेंट्स की जांच रिपोर्ट में कोरोना के संक्रमण मिले हैं उनमें वायरस के हल्के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को यूनिवर्सिटी के अलग ब्लॉक में आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तराखंड में 16 स्कूली छात्राएं कोरोना संक्रमित। वहीं उत्तराखंड के देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में 16 छात्राओं की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार वेलहम गर्ल्स स्कूल में पिछले एक हफ्ते में 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। स्कूल को फिलहाल के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। IIT मद्रास को कोविड का कहर। गौरतलब है कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। कई राज्य में कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों कोरोना वायरस का कहर IIT मद्रास में भी देखने को मिला था। 180 से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।